पाव किलो। यहाँ पे इलायची पाउडर आधा चम्मच लेंगे। बादाम यहाँ पे मैंने 20 ली हूँ, भिगा के रखना है हमें और इसका छिलका हटा देना है। पिस्ता लेंगे, पिस्ता का भी छिलका हटा देना है। गेहूँ यहाँ पे मैंने पाव किलो ली हूँ, रात भर इसे भिगा के रखना है। सब में पहले हम गुड़ को मेल्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टोप रखी हूँ गैस पे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिलाइए। हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, पकाना नहीं है। अभी मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी और गुड़ मेल्ट होते के साथ हम गैस को बंद करेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। गैस के फ्लेम को कम रखेंगे और गुड़ को पिघलने देंगे। थोड़ा ठंडा हो रहा है, अभी हम मिक्सी पॉट ली हूँ मैंने, मुझे गेहूँ को पीसना है, तो यहाँ पे मैंने गेहूँ डालूंगी मिक्सी पॉट में। इसे हमें अच्छे से भिगा के रखना है, दाना अच्छा फूलना चाहिए गेहूँ का। मिक्सी पॉट में डालूंगी और इसमें बादाम भी डालूंगी मैं, जो मैंने भिगा के रखी थी 20 बादाम, वो भी ऐड करना है। पहला गेहूँ को ऐड करूँ, अभी मैं बादाम ऐड करूंगी, 20 बादाम है ये, पाव किलो को 20 बादाम लेना है। तो ऐड करने के बाद इसमें पानी मिलाऊंगी, एक ग्लास पानी मिलाना है हमें। अभी इसको हम बारीक पीसेंगे और इसका मिल्क निकालेंगे, तो अच्छे से पीसेंगे और मिल्क निकालेंगे। गेहूँ हमारा पीस के तैयार हो चुका है, इसी तरह से हमें पीसना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा पीसा है। अभी हम इसका मिल्क निकालेंगे, तो फिर से मैं वही जाली लूंगी और इसमें ऐड करूंगी, अच्छे से निकालेंगे और इसका मिल्क निकालेंगे। गाढ़ा गाढ़ा मिल्क निकालना है, तो जाली में हम छानेंगे इसे। इसे फिर से हमें एक बार फेरा लेना है, तो अभी इस बार मैं आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी और फिर से हम इसको पीसेंगे, इसका मिल्क फिर से निकालना है। गेहूं का मिल्क निकाल के हो चुका है, अभी हम खीर बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन रखी हूँ गैस पे, अभी गैस को फास्ट करूंगी, इसमें घी को ऐड करूंगी, तो यहाँ पे मैं एक चम्मच घी मिलाऊंगी। घी को गरम होने देंगे, उसके बाद में हम गेहूं का मिल्क ऐड करेंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अभी गैस को थोड़ा कम रखेंगे और जो घी गेहूं का मिल्क है उसे ऐड करेंगे। ऐड करते के साथ हम चम्मच से चलाते रहेंगे, गेहूं हमारा ठीक होते जाएगा, तो इसे लगातार चम्मच से हम चलाते रहेंगे कम आंच में। अभी इसमें मिल्क मिलाऊंगी और चम्मच को हमें चलाते रहना है, गुठलियां बनने नहीं देनी है। अभी मैं दूध ऐड करूंगी इसमें और लगातार हम चम्मच से इसे एक दो मिनट तक चलाते रहेंगे। खीर को मैं हिला रही हूँ, इसी तरह से हमें करना है, तो गुठली हमें बनने नहीं देनी, इतना ध्यान में रखिए। तो इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड करूंगी, अभी इसे भी मिला देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अच्छे से हम और चम्मच से चलाते रहना है हमें दो मिनट तक लगातार। दो मिनट हो चुके हैं, खीर को मैं चलाते रह रही हूँ और हमें एक मिनट तक चलाते रहना है, खीर को अच्छे से पकाना है। खीर गाढ़ी होती जा रही है और ये खीर बहुत हेल्दी है, हमारे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो बच्चे जो कमज़ोर है, खाना नहीं खाते बराबर, उनके लिए 15 दिन में एक बार इसे खिलाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। और ये रेसिपी मेरी नानी की रेसिपी है, मेरी नानी बहुत अच्छे से बनाते थे खीर को। मम्मी हमेशा कहती थी नानी की रेसिपी बहुत अच्छी है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी खीर हमारी पक के हो चुकी है, इसमें मैं पिस्ता ऐड करूँगी थोड़ा सा। हमें गुड़ को अभी नहीं मिलाना है, गुड़ को हम बाद में मिलाएंगे, क्योंकि गुड़ ठंडा होने के बाद और खीर थोड़ी ठंडी होने के बाद फिर गुड़ को ऐड करेंगे, वरना खीर फट फट सकती है।
अभी मैं गैस को बंद करूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। खीर हमारी हल्की ठंडी हो चुकी है, अभी इसमें गुड़ ऐड करना है हमें, तो गुड़ भी ठंडा हो चुका है। अभी मैं ऐड करूंगी गुड़ को। आप मीठा कैसे पसंद करते हो उसी हिसाब से गुड़ डालिए। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो गुड़ डाला है, तो अभी इसे मिला दूंगी, मिक्स करेंगे हम। गुड़ को ठंडा करने के बाद ही मिलाइए, खीर को भी हल्का ठंडा करने के बाद ही मिलाना है, वरना खीर फटने के चांस है, तो इतना ध्यान में रखिए। और उसके बाद आप गर्म करते हैं तो कोई बात नहीं, खीर नहीं फटेंगी। तो इसे मैं मिला दूंगी अभी अच्छे से, और हमारी खीर तैयार है, इसे सर्व करूंगी। जी तैयार है हमारी गेहूं की खीर, इसे जरूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और